हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आजकल कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में हर इंसान, गरीब हो या अमीर, सभी परेशान हैं। यहाँ तक कि हमने और आपने भी देखा होगा, महंगी महंगी दवा खाने के बाद भी लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी दवा बताएंगे जिसमें आपका कोई खर्चा भी नहीं लगेगा और इस कोरोना की महामारी से आप जीत जाएंगे। फ्रेंड्स, ये काढ़ा हमने घर पर तैयार किया है। अब काढ़ा का नाम लेंगे तो बहुत से लोग कहेंगे, काढ़ा तो हमने बहुत पिया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि काढ़े को कुछ लोग गलत तरीके से बनाते हैं जिसके कारण उनको कोई लाभ नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको काढ़ा बनाने का सही तरीका बताएंगे। इस काढ़े में हम जो भी सामग्री डालेंगे वो सारी चीज़ें आपके घर पर शायद उपलब्ध हो। ये कोई चीज़ नहीं है तो आपको ये सारी चीज़ें मार्केट में आसानी से मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको इस काढ़े को बनाने की रेसिपी में क्या क्या सामग्री लगेगी हम इसे बता देते हैं। तो सबसे पहले हमने ली है थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी की लकड़ी और थोड़ी सी लौंग ली है। ये सारी चीज़ें आपको किराने स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। तो अब हम इन सभी चीज़ों को कूट लेते हैं। आप चाहें तो मिक्सी में इसे दरदरा पीस सकते हैं। इसके बाद हमने ली है ये डंडी। ये सिर्फ एक डंडी नहीं है, इसे हमारे यहाँ गिलोय कहते हैं। आपके यहाँ हो सकता है किसी और नाम से जाना जाता हो, कहीं कहीं पर इसे गुर्ज भी कहा जाता है। इसका पेड़ होता है। हो सकता है आपको ये शहरों में मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन गाँव में ये आसानी से मिल जाता है। तो जिनको ये आसानी से नहीं मिल पा रहा है तो इसका गिलोय स्वरस आता है, ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। आप इसे हल्के गुनगुने पानी में सुबह शाम पियेंगे तो उससे भी काफ़ी लाभ मिलेगा। जिनके घर में या आसपास में कहीं पर भी यदि इसका पौधा मिल जाए तो इसकी डंडियों को तोड़कर आप इसे छोटे छोटे लगभग 3-4 इंच के टुकड़ों में काटकर इसे आप अच्छे से धुलकर कूट लीजिए। वैसे तो इस गिलोय के कई फ़ायदे हैं, मगर हम इसका फ़ायदा आपको बाद में बताते हैं। सबसे पहले हम आपको काढ़ा बनाने का तरीका बता देते हैं। तो हमने गिलोय को कूट लिया है। अब हम एक बर्तन में लगभग 2 गिलास पानी डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल देते हैं, कुटी हुई काली मिर्च, लौंग और दालचीनी की लकड़ी, इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। अब हमने कुटी हुई गिलोय भी इसमें डाल दिया है। लगभग चुटकी भर या चौथाई चम्मच से कम हल्दी पाउडर और इसी मात्रा में हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। थोड़ी सी अजवाइन भी, हमने इसे पहले से ही क्रश कर लिया है, अब इसे भी हम डाल देते हैं। अब हम गैस ऑन करके हम इसे गैस पर चढ़ा देते हैं, इसे हम गैस पर रख देते हैं। जब भी आप काढ़ा बनाएं तो काढ़े को आप खुला नहीं पकाएंगे, आप इसे ढक कर किसी बर्तन से आप इसे ढक कर पकाएंगे। तो हम इसे एक प्लेट से ढक देते हैं और हम इसे उबलने तक वेट करते हैं। अब काढ़ा उबल चुका है। अब हम गैस का फ्लेम धीमी कर देते हैं। अब हम इसे फिर से ढक देते हैं। इसके बाद हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी आधा ना रह जाए। तो जैसे हमने लगभग 2 गिलास पानी डाला था, तो जब हमारा लगभग 1 गिलास पानी बचेगा तब हमारा काढ़ा अच्छे से पक जाएगा। तो जब तक हमारा काढ़ा पक रहा है तब तक हम आपको गिलोय के फ़ायदे बता देते हैं। गिलोय इस काढ़े का सीक्रेट है। गिलोय हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, यह बुखार में बहुत फ़ायदा करता है। आप गिलोय को सिर्फ कूट कर पानी में डालकर ऐसे ही अगर पकाकर छान कर पी लेंगे तब भी यह बहुत फ़ायदा करेगा, बहुत लाभदायक होगा। अब काढ़ा अच्छे से पक गया है,
गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं। अब इसे हम कुछ देर के लिए ठंडा होने देते हैं। इसके बाद हम इसे छान लेते हैं। तो हमने इसे एक बर्तन में, एक कप में हमने इसे छान लिया है। हमने इसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं किया है, हम इसे चाय की तरह आराम से पी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर एक बार आप इस काढ़े को बनाकर पिएंगे तो इस काढ़े को आप बार बार बनाएंगे। आप इसे दिन भर में 2 से 3 बार आराम से पी लीजिए, सुबह दोपहर शाम। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इस कोरोना में आपको कभी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती है। बस आप इस काढ़े को डेली पीजिए, रोज़ पीजिए। और हाँ, आप व्यायाम ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरत है, बहुत फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, इस रेसिपी को शेयर ज़रूर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी लोगों के पास पहुंच सके जिनको इस काढ़े की ज़रूरत है। ना जाने आपके इस एक वीडियो शेयर करने से कितने लोगों की जान बच जाए, और आप लोग जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो लोग भी इस काढ़े को ज़रूर पिएं। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस कोरोना जैसी महामारी में भी आप सब स्वस्थ रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें, ताकि हम आपको नई नई रेसिपी आपके साथ साझा कर सके और हम नई नई जानकारी भी आप सभी के साथ शेयर कर सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू, बाय बाय।